हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसी वक्त दिनेश कार्तिक को एक ऐसा दर्द मिला था जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उनकी शादीशुदा लाइफ में तब घने बादल छा गए जबकि कार्तिक की पहली पत्नी निकिता ने उन्हें तलाक देकर उन्हीं के करीबी दोस्त मुरली विजय से शादी कर ली। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के भरोसेमंद ओपनर मुरली विजय और कार्तिक काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों सालों से अपने घरेलू राज्य तमिलनाडु के लिए साथ में क्रिकेट के मैदान पर विरोधियों का मुकाबला कर रहे थे जबकि मैदान के बाहर विजय दिनेश कार्तिक की बीवी निकिता से चोरी छिपे इश्क लड़ा रहे थे। जब दोनों के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा तो कार्तिक से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत निकिता से तलाक लेने का फैसला लिया। कार्तिक से तलाक लेने के बाद निकिता ने मुरली से शादी कर ली। इससे कार्तिक और भी ज़्यादा टूट चुके थे और वो मानसिक तौर पर बीमार भी रहने लगे। वो अपनी पत्नी के इस धोखे को आसानी से नहीं भुला पा रहे थे। निकिता से तलाक के बाद कार्तिक काफ़ी हताश थे। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एंट्री हुई दीपिका पल्लिकल की। उसके बाद दिनेश कार्तिक की किस्मत बदल दी और वो क्रिकेट की दुनिया में फिर से जलवा दिखाने लगे। दोस्तों, फिलहाल मुरली विजय और निकिता के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी निकिता ने उन्हें फिर से शादी करने का ऑफर दिया है। उसको लेकर दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दिया है। आखिर दिनेश कार्तिक ने पहली पत्नी से शादी को लेकर क्या कहा है, हम आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी अगर दिनेश कार्तिक को टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे T20 सीरीज में कार्तिक ने 16 साल बाद जाकर कार्तिक ने अपनी पहली और ताबड़तोड़ 50 पूरी की। उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक जड़ दिया। डीके ने मुकाबले में 27 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के की बदौलत 54 रनों की पारी खेली। उनका बल्ला फिर एक बार जलवा दिखा रहा है जो टीम इंडिया के लिए बड़ी सौगात है। लेकिन इसी बीच कार्तिक की पहली पत्नी निकिता ने फिर से शादी का ऑफर दिया है। उसके बाद कार्तिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निकिता ने जो मेरे साथ किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बेवफा पत्नी एक मर्द की कमजोरी होती है जिसका दर्द मुझे आज भी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शादी तो दूर की बात, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता। मुरली विजय तो दोस्त के नाम पर कलंक है। दोस्तों, कार्तिक ने सीधे तौर पर निकिता को ऑफर ठुकराया है। अब देखना होगा कि इस पर लोगों का क्या रिएक्शन आता है। बस दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।